केपलर 1647 भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास दो सन है। जी हाँ, दो सन। बट आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या होता अगर हमारे पास भी दो सन होते तो? क्या अर्थ के पास ज्यादा लाइट होती अगर अर्थ के पास दो सन होते तो? या ज्यादा गर्मी पड़ती दो सन होने की वजह से? या फिर दो सनसेट देखने का मौका मिलता दो सन्स की वजह से? या रात होती या नहीं होती? वैसे आप देख रहे हैं SLV लर्निंग एंड आइए देखें आज की वीडियो में क्या होता अर्थ का एंड ऑफ कोर्स हम लोगों का अगर अर्थ के पास दो सन होते तो। क्या आप जानते हैं कि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में पहले दो स्टार थे? जी हाँ, दो स्टार, एक सन एंड दूसरा स्टार जिसका नाम नेमेसिस था। इस सिस्टम को हम जनरली बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। बट नेमेसिस ने किसी तरह सन की ग्रेविटी को ब्रेक किया एंड वो मिल्की वे में कहीं चला गया। दिस वॉज अराउंड बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब जब साइंटिस्ट बाकी सोलर सिस्टम्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें यही पता चलता है कि ज्यादातर सारे सिस्टम्स बाइनरी ही होते हैं। वैसे अगर अर्थ के पास दो सन होते तो अर्थ पे फिर भी लाइफ सपोर्ट हो सकती थी, बट ओनली अंडर फ्यू कंडीशंस। जैसे कि दोनों सन की पावर सेम होनी चाहिए। दिस इज बिकॉज अगर एक भी सन की पावर ज्यादा होती तो सन की उसी सन की वजह से हमारी अर्थ मे बी सन से कोलाइड कर जाती, या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पावर होने की वजह से मे बी सन अर्थ को पुल कर देता अपनी तरफ। सिमिलरली अगर दोनों सन की फोर्स कम हुई तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक कर सकता है एंड विदाउट एनी सन मिल्की वे में कहीं फ्लोट करेगा, जस्ट लाइक नेमेसिस। अब दो सन होने की वजह से ग्रेविटी तो स्ट्रांग होती ही ना। सो ग्रेविटी स्ट्रांग होने की वजह से नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस फ्रॉम 365 टू 280 डेज। यानी हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स रह जाते एंड 9 मंथ 10 डेज टू बी प्रिसाइज। अर्थ स्टेबल रह सके इसलिए दोनों सन का डिस्टेंस लेस देन 15 मिलियन किलोमीटर रहना चाहिए। सनसेट भी हर बार डिफरेंट टाइम पे होता, बट यस यू कैन सी टू सनसेट्स बट नॉट एट द सेम टाइम। हम लोगों की बोन्स ज्यादा स्ट्रांग तो हो जाती, दिस इज बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है, ज्यादा विटामिन डी रहता है इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स की बायोलॉजी एंड उनका फोटोसिंथेसिस का वे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन ऑफ नाइट शॉर्ट हो जाएगी, बट हाँ यू विल हैव नाइट एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर रेंज जो होगा वो भी डिफरेंट रहेगा। आई मीन टेम्परेचर रेंज और भी ज़्यादा हो जाएगा। दो सन होने की वजह से मे बी हम लोग दो शेडोज देख पाते हैं। वैसे बाय द वे देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि रेडिएशन एंड यूवी रेज अर्थ पे और ज़्यादा हो जाती एंड सो दिस वुड रिजल्ट इन मोर केसेस ऑफ कैंसर्स एंड स्किन बर्न्स। सो इन शॉर्ट दो सन देखने में अच्छे तो लगते बट एक ही सन ज़्यादा अच्छा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को एंड जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।